हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक होंगे? हम कौन सा सेक्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और आज भी उसी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उस टाइम तो क्या था, बस ओनली सेल सेल थे, ठीक है, उनके साथ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था। आज जो हम काम करेंगे उसके अंदर क्या होंगे, उन सभी सेल के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होंगे। मतलब हम क्या कि उसके साथ एक डिवाइस जुड़ा होगा, तो हम ये देखना है कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होता है, ठीक है। इस तरह के जो हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ये न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि करंट निकालेंगे हर एक सर्किट में, कि इस सर्किट में कितना करंट आएगा, इस सर्किट में कितना करंट आएगा, ठीक है, और जो करंट है वो क्या है, किस बिहाव पे है, शॉर्ट सर्किट से आया या किस तरह से है वो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले वही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, सबसे पहले और सभी सेल कैसे आइडेंटिकल सेल। तो सबसे पहले वही आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, या पहले हेडिंग डाले तो लिख सकते हो उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और सेल्स विद Identical cells with external resistance. ये हेडिंग इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बेटा, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इन सीरीज का काम करते हैं। पहले इन सीरीज, तो देखो बेटा ये सेल है एक, इसी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक और सेल, फिर इसी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक है। एक और सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन सभी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है आर कनेक्ट कर देते हैं। इसकी ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसकी ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसकी ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एनथ सेल हमारे पास है, ठीक है, एन सेल हमने जोड़ रखी है इसके अंदर, तो इधर टोटल जो सेल है वो एन सेल है, एन सेल्स है। तो करंट जो फ्लो होगा वो ऐसे आएगा, ये करंट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज, ये करंट है। तो सबसे पहले आप ये बताओगे इसमें नेट ईएमएफ कितनी आएगी इन सभी सेल की, ये सभी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, सभी सेल का नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, यानी कोई भी सेल रोंगली कनेक्टेड नहीं है, और रोंगली कनेक्टेड नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगी, इक्विवेलेंट वो एन टाइम्स ऑफ सिंगल सेल होगी, ये होगी ना। अगर रिवाइज करें हम, अगर एक सेल को हम, दो सेल को हम, या एम सेल, एम नंबर ऑफ सेल को रोंगली कनेक्टेड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आई थी बेटा, याद है, एन माइनस टू एम इंटू ई रोंगली कनेक्टेड की, एन थे टोटल नंबर ऑफ सेल्स, एम थे रोंगली कनेक्टेड सेल्स, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई रोंगली कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आ गई, एनी, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, एनआर, इंटरनल होंगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस में ये आर और ऐड हो जाएगा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो हो जाएगा एन आर प्लस आर। करंट इन द सर्किट कितना आ जाएगा, सो करंट इन सर्किट आई कितना होता है, नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है
कर देता बेटा। तो कितना आएगा, आई इज इक्वल टू नेट इन ऑफ कितना है एन ई, नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ एन आर प्लस आर, ये करंट आएगा सर्किट के अंदर। अगर सेल ओनली सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके अंदर यानी उनके कारण जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा दैट करंट इज आई एंड इट इज इक्वल टू एन ई ओवर एन आर प्लस आर। ठीक है, अब यहां पे हम दो केस ले लेते हैं, क्या स्पेशल केसेस, नोट डाउन करो उसको, नोट करो उसको। तो देखो बेटा दो केस ले लेते हैं स्पेशल केसेस के अंदर, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, क्या दो रेजिस्टेंस है, एक तो टोटल इंटरनल और एक कौन सा है एक्सटर्नल। तो पहले ही कर लेते हैं कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर ग्रेटर ग्रेटर देन आर, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, सो एन आर प्लस आर नियरली किसके इक्वल आ जाएगा एन आर के, है ना, क्योंकि आर तो क्या नेगलिजिबल है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन ई और डिवाइड बाई आ जाएगा एन आर, कैंसिल, कितना है ई बाई आर। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि E by R क्या था, E by R, E क्या है EMF of the single cell, R क्या है single cell का resistance, और ये कब आया करता जब सर्किट होती थी short circuit, क्योंकि जब सर्किट के अंदर external resistance होगा ही नहीं, सभी सेल को सीधा जोड़ दोगे प्लस से माइनस, तो अगर प्लस से माइनस अगर एक सेल को जोड़ दोगे आप, ये सेल हो गया, इस सेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप डायरेक्ट जोड़ दोगे तो डायरेक्ट अगर जोड़ दोगे इसका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी मत होगी ई, तो क्या होगा इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ गया, तो सर्किट क्या होगी शॉर्ट सर्किट, क्या होगी शॉर्ट सर्किट। तो ये वो करंट होगा जो ड्यूरिंग एक सेल जब शॉर्ट सर्किट होता है उतना करंट होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज द करंट when a cell is short circuited, short circuited, वो current आ जाएगा। ठीक है, चलो case number second, case number second क्या है भाई, इसे क्या नाम करेंगे इसको, equation first चाहिए, केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या उल्टा कर दो, इफ एन आर कम है आर से तो देन इन दोनों का सम, देन एन आर प्लस आर नियरली इक्वल टू आर। ठीक है, अब करंट कितना आएगा, करंट होगा एन ई डिवाइड बाई आर, मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं एन मल्टीप्लाई बाई ई बाई आर, है ना, और ई क्या है ईएमएफ ऑफ द सिंगल सेल, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसका मतलब एक सेल के कारण जितना करंट आएगा उस सेल उसको मल्टीप्लाई किसे कर दो एन से, मल्टीप्लाई बाई एन, तो इसका मतलब क्या हुआ एन इंटू करंट ड्यू टू, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, सिंगल सेल कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक सेल के कारण जब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या हो कनेक्टेड हो तो उस करंट को मल्टीप्लाई कर दो एन टाइम्स एन सेल, एन सेल हो जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा टोटल करंट।
तो आप ओनली एक सेल के कारण कितना करंट आता है वो निकालो, मल्टीप्लाई बाय कितने सेल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा सेल से मल्टीप्लाई कर दो, एक दो तीन चार पांच, कितने पांच सेल है, पांच सेल है, तो 5 × करंट ड्यू टू सिंगल सेल, तो वो आ जाएगा कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो किससे, इंटरनल से। तो ये केस सेकंड, और ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो ये केस थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मेन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, करंट का हमारा, ये वो करंट कितना आएगा, इक्वेशन जो फर्स्ट थी वो ये थी बेटा, ये इक्वेशन याद रखना अगर ओनली सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ओके नोट करो उसको। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आगे सेल्स इन पैरेलल, नेक्स्ट इज सेल्स इन पैरेलल। अब ओनली सेल हो पैरेलल पैरेलल में कनेक्ट हो, जैसे ये सेल हो गया एक, ये इसका इंटरनल डिस्टेंस हो गया, एक सेल ये हो गया, ये इसका इंटरनल डिस्टेंस हो गया, इस तरह से ऐड होते चले जाए, और उसके बाद में एंड सेल हम लेते हैं सीधा सा, ये सेल ये इसका इंटरनल डिस्टेंस, और इसको हम ऐड करते हैं, बीच में रोटेट कर दो उसमें, ठीक है, और भाई इसको हम इस तरह से सर्किट से जोड़ देते हैं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सेल ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी हमारे पास, एक दो तीन चार पांच छह एन एन नहीं एम डाल रहा हूं, एम एम नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमने एन नंबर क्या मानते हैं सेल, एक रो के अंदर नंबर ऑफ सेल कहते हैं एन थे, यहां पे क्या मानो रोज कितनी है, यहां पे एम नंबर ऑफ रोज है, जो इस तरह से है यहां पे एम रोज है, एम रोज एम नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, टोटली है। तो सर्किट में जो करंट आएगा वो कितना आ जाएगा आई, तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसके अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर टोटल रेजिस्टेंस और फिर करंट। तो आप बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सभी सेल आइडेंटिकल होते हैं तो नेट ईएमएफ कितनी आती है, याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको बताया था मैंने, तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आती है बेटा अगर आइडेंटिकल होता है तो कोई चेंज नहीं आता है, पढ़ना पढ़ाया था मैंने इससे फर्स्ट लेक्चर में, इसी से जो प्रीवियस लेक्चर था उसी के अंदर बताया था। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है वो होता है आर, दो हो तो आर बाई टू, तीन हो तो आर बाई थ्री, एम नंबर है तो आर बाई एम, आर बाई एम, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर सीधा करंट करो सीधा करंट कर देते हैं, करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट आई, कितना करंट होगा, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितनी है ई, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल तो हो गया आर बाई एम, और एक्सटर्नल कितना है आर, ये करंट आएगा सर्किट के अंदर, इक्वेशन वन एंड फर्स्ट, ई ओवर आर बाई एम प्लस आर। हाँ एलसीएम लेके सोल्व करो तो बात, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एम आएगा, एम जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा एम ई आर प्लस एम आर, हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला भी बन सकता है, ये और ये दोनों सेम ही है।
उसके बाद फिर वही केसेस उसके अंदर केस के देगी, यहां भी केस करो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, क्या बेटा सेम वही कि इफ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर बाई एम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई एम था ना, अगर वो ज्यादा हो जाए किससे आर से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, देन आर बाई आर, आर बाई एम प्लस आर इज इक्वल टू किसके बेटा आर बाई एम के, इसकी वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर जो ये सही इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सॉल्व करो उसको, क्या बनेगा फ्रॉम फर्स्ट आई जो आ जाएगा आई दिस इज इक्वल टू ई ओवर आर बाई एम, आर बाई एम और एम कहां जाएगा ऊपर, इसका मतलब क्या बना एम मल्टीप्लाई बाई ई बाई आर, और E by R क्या था बताना मेरे को, E by R शॉर्ट सर्किटेड के कारण जो करंट आया था वही तो था EMF by internal resistance that is the current due to short circuited, तो ये करंट जो आ जाएगा I this is equal to M times due to multiply by current when short circuited, शॉर्ट सर्किट जब कोई एक सेल शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसके कारण कितना करंट आया मल्टीप्लाई बाय एम, ये कर देना ये टोटल करंट आ जाएगा इस सर्किट के अंदर जब वो क्या थे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से ज्यादा थी, तो हमारे पास ये केस आ जाएगा, ठीक है नोट करो उसको। उसके बाद केस नंबर सेकेंड बेटा दे, ठीक है देखो केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या बेटा केस नंबर सेकंड है उल्टा कर दो उसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस इफ इफ इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए एक्सटर्नल से, ठीक है अब बताओ तो देन क्या होगा देन आर बाई एम प्लस आर नियरली इक्वल टू आर, आर के इक्वल होगा, अब बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी, अब फ्रॉम फर्स्ट क्या बचेगा बेटा ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई ओवर ये क्या हो गया कैंसिल ओनली क्या बचेगा आर तो ई बाई आर, और E by R क्या होता है करंट ड्यू टू सिंगल सेल, क्योंकि ये EMF एक सेल की है और ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो जब कोई एक सेल ही जुड़ा हो बस जब हमारे पास ओनली एक सेल जुड़ा हो ऐसे ऐसे तो यहां से करंट कितना आएगा आप बताओ टोटल EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये करंट आया, तो एक सेल के कारण जितना करंट आएगा सर्किट में उतना करंट आएगा जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में ज्यादा हो, और वो कैसे कॉम्बिनेशन में हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, तो यहां पे ओनली सिंगल सेल के कारण जो करंट आता है वो इसके इक्वल आएगा, चाहे यहां पे कितने भी सेल जोड़ दो एक दो तीन चार पांच हजार सेल हो उन सभी हजारों सेल का कोई क्या नहीं मतलब नहीं है कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस करंट तो आएगा उतना ही आएगा जितना कि एक सिंगल सेल के कारण आता है बस, तो यहां पे ये जो आया ये आ जाएगा करंट इज ड्यू टू सिंगल सेल व्हेन कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा इस सर्किट के अंदर व्हेन द सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है नोट करो
ये था हमारा सेल इन पैरेलल। इसके बाद हम करेंगे किसको बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल, जिसमें सेल सीरीज में भी होंगे और सेल पैरेलल में भी होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियोस के अंदर कोई साउंड की प्रॉब्लम या किसी पिक्चर की या आपको कोई लेटर दिखाई नहीं दे रहा हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा। ठीक है बेटा, दे ज्यादा तेज बोल रहा हूं, स्पीडली आवाज आपके पास आ रही हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएं। ठीक है, कमेंट कर दिया करो नीचे उस YouTube का जो लेक्चर होता है उस पर कॉमेंट कर दिया करो, और प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपके पास ये वीडियोस हमेशा आते रहे, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपके पास वीडियो आती रहे। ठीक है, ताकि आपके पास ये सारी वीडियोस परमानेंट प्रेजेंट रहे। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो नंबर थर्ड, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग में जिसमें क्या बेटा, जिसमें सेल सीरीज में भी होंगे और उसके बाद में सेल पैरेलल में भी होंगे। ये हमारे पास बेटा थे सीरीज 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 और पैरेलल, और उसको बेटा कनेक्ट कर दो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। दिस इज आर। ठीक है, यहां पे क्या है, इधर तो है एन नंबर ऑफ सेल्स, एक रो के अंदर एन सेल है, और ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, एम नंबर ऑफ रोज, एम रोज। तो आपको पता होगा टोटल जो सेल हो जाएंगे वो एम इंटू एन हो जाएंगे, क्योंकि एक रो के अंदर सेल कितने हैं, एन, और नंबर ऑफ रोज क्या है, एम, तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे, एम इंटू एन। तो एक सेल की ईएमएफ होगी ई रेजिस्टेंस आर, क्योंकि सभी आइडेंटिकल है। अब आप बताओ, सबसे पहले हम निकालेंगे एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ और एक ही रो का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ वन रो कितना आएगा बेटा, सभी के सभी प्लस माइनस ऐसे कनेक्टेड है, कोई रो नहीं कनेक्टेड नहीं है, तो एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना टाइम्स हो जाएगा, कितने सेल है, एन सेल है, तो एक का ई फिर टू ई फिर थ्री फिर फोर ई, इसका मतलब एक रो का कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ई, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा बेटा एन ई। ओके, एक रो का, ऐसे एक ही रो का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, ऑफ वन रो कितना आएगा बेटा, आर प्लस आर टू आर थ्री आर फोर आर कितना हो जाएगा, एन आर,
विच इज एन आर। तो एक रो का ईएमएफ ये आ गया, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ गया, और अब हमें क्या बस गई, एम रोज और बस गई। अब इन सब का ईएमएफ कितना होगा आप बताओ मेरे को, मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं उसका बताना। जैसे मैं कह दूं भाई ये सेल एक जो रो का आ गया ये, उसका रेजिस्टेंस हो गया ये, फिर दूसरी रो आ गई उसका रेजिस्टेंस, फिर ऐसे ही एम सेल आ जाएंगे हमारे पास ऐसे, ठीक है। इसका आ गया ईएमएफ एनी रेजिस्टेंस एन आर, एनी एन आर, एन ई एन आर, इस तरह से हो गया। इन सब का जुड़ के ये बन गया इसके अकॉर्डिंग। अब आप बताएं सभी सेल क्या हो गया आपस में पैरेलल, सभी की ईएमएफ इक्वल है, और आपको पता है आइडेंटिकल सेल थे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आती है, पैरेलल के अंदर कोई चेंज होती है, नहीं होती है। अगर इसका एन ई है, इसका एन ई है, इसका एन ई है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी क्या होता था, एन ई, ईएमएफ चेंज नहीं होता था, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, एन ई। तो टोटल सर्किट का भी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, एन ई आएगा, जितना कि हमारे पास एक रो का था। टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, या कह सकते हो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट, नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट, ऑफ सर्किट कितना जाएगा बेटा, एन ई ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, एन आर, एन आर अगर दो होते थे तो कितना आएगा बेटा, एन आर बाई टू, तीन हो तो एन आर बाई थ्री, चार हो तो एन आर बाई फोर, पांच हो तो एन आर बाई फाइव, और कितने सेल हैं, एम, कितनी रोज हमारे पास हैं, एम, तो कितना आ जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर डिवाइड बाई एम, क्योंकि एक का कितना बना आर, इसका कितना हो जाएगा, अगर ये आर है, अगर एक ही होता तो आर, फिर इसका आर तो कितना बना आर बाई टू, फिर आर बाई थ्री, फिर आर बाई फोर, तो ऐसे एम हो तो क्या बन जाते हैं, आर बाई एम। लेकिन अब एक ही रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर, फिर एक हो गया एन आर, दो हो तो क्या बन जाता है, एन आर बाई टू, तीन हो तो एन आर बाई थ्री, ऐसे चलते जाओगे तो टोटल रोज कितनी हमारे पास, एम रोज है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगा एन आर डिवाइड बाई एम, दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। और अब इसके बाद आप निकाल सकते हो टोटल करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन द सर्किट, नेट करंट इन सर्किट, तो नेट करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना है एनी, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल तो कितना हो गया एन आर डिवाइड बाय एम, और एक्स्ट्रा कितना हो गया आर, तो या तो आप इसको ये कितना करके छोड़ सकते हो, ये इसके बाद में हम इसका एलसीएम लेके और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसको इतना नोट करें, इक्विवेलेंट ईएमएफ पहले एक रो की निकाली एनी, एक रो की इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला एनआर, ईएमएफ चेंज नहीं होगा एनी आएगा, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा एनआर बाय एम, और टोटल जो करंट होता है वो होता है टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये आ गया करंट इस सर्किट का, ठीक है। अब इस सर्किट को अगर बनाना चाहो इजिली, इसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा, तो बना सकते हैं आप, ठीक है, नोट करो उसके ऊपर। उसके बाद इसी आई का यानी कि एलसीएम लेके फॉर्मूला क्या बन सकता है वो देखो बेटा, मिटा दो ये, कितना आएगा बेटा एलसीएम लोगे आप और कर देना आई, एम आएगा तो ये क्या बन जाएगा एन आर प्लस एम आर, एम जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा एम एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर, ये बन जाएगा बेटा आई, तो या तो वो कहेंगे या फिर इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। एन ई ओवर एम एन ई हो जाएगा ऊपर, और एन आर प्लस में हो जाएगा एम आर, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है।
और अब इस क्वेश्चन के अंदर जब सभी सेल, क्योंकि जरूर नहीं कि सभी सेल सीरीज में हो, सभी पैरेलल में हो, ज्यादातर सर्किट ऐसी होती है जिसमें सेल मिक्स्ड ग्रुपिंग में होते हैं, सेल सीरीज में भी होते हैं और सेल पैरेलल में भी होते हैं। तो इस कंडीशन, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि सर्किट के अंदर ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो, ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो, मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन हो, इंटरनल ज्यादा हो, एक्सटर्नल ज्यादा हो, क्या कंडीशन हो, बराबर हो, ठीक है। तो क्या कंडीशन ली जाए ताकि एक्सटर्नल जो करंट हमारे पास ये आई, जो करंट आ रहा है इस सर्किट के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा है। तो कैसे फाइंड करोगे आप इसको, तो आप यहां देखो इक्वेशन यहां से सिक्स से, क्या बेटा आई विल बी मैक्सिमम। अगर आपको ये जो मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है भैया, आप बहुत बड़ा लगे आपको, टफ लगे आपको, तुम बेशक मत करना, पेपर में इसका कोई वो सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप उसको करके दिखाएं। आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो कि आई विल बी मैक्सिमम, जो लास्ट हो हमारा कंडीशन, जो हमारी कंडीशन आएगी आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ कि कैसे मैक्सिमम हो, ठीक है। तो जो बीस का पार्ट वैसे आपको नहीं आए तो वैसे मत करना एग्जाम में, आप उसको यहां से लेकर डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख देना कि भाई ये कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें देखना सीखे कैसे आया हो, ओके। तो भाई मैं सर्किट को इसको मिटा दे सारे को, देखो ध्यान से, इसमें टोटल इंटरनल याद रखना, एक्सटर्नल याद रखना, करंट याद रखना। आई विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम इफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर ये क्या होगा कम से कम तो ये ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। इफ एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू मिनिमम, और मिनिमम से मिनिमम कितना होता है जीरो, अगर जीरो इक्वल हो जाए, है ना, तो एन आर और एम आर की जो एडिशन है वो किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पे आई क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। अब ये कंडीशन क्या आएगी, एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या रिलेशन आएगी वो देखो। तो बताओ बेटा मैं इसको ये कह सकता हूं, इसी इक्वेशन को एन आर रूट और कर लेता हूं उसको मैं, प्लस एम आर रूट इसका होल स्क्वायर माइनस टू एन आर एम आर अंडर रूट प्लस टू एन आर एम आर अंडर रूट फोर इज इक्वल टू जीरो, कर सकते हो ना भाई। एन आर रूट का स्क्वायर एन आर ही बचेगा, इसका स्क्वायर एम आर ही बचेगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा तो यही। तो मैं इस टर्म को एन आर प्लस एम आर को मैं ये लिख सकता हूं, और इस इक्वेशन को क्या कह सकते हो, ये एक होल स्क्वायर है ना, किसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है रूट एन आर माइनस रूट एम आर इस पूरे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इतना जो बन गया इतना वाला हिस्सा वो तो हो गया ये, प्लस बस गया ये प्लस टू अंडर रूट एन आर एम आर इज इक्वल टू जीरो। अब आप बताएं इनमें से ये आंसर कम से कम जीरो कब आ सकता है, क्या यहां पे यानी ये टर्म जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एन की वैल्यू जीरो नहीं है, एन भी गिवन है, एक सेल भी होगा तो एन तो है ही, एक सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे 0.1 हो लेकिन है वो भी जीरो, वो भी नहीं है, एम नंबर ऑफ रोज भी है वो भी जीरो नहीं है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो भी है, इसका मतलब इनमें किसी भी एक टर्म की वैल्यू भी जीरो नहीं है। अगर किसी भी एक टर्म की जीरो वैल्यू होती तो टोटल टर्म क्या बन जाती, जीरो, तो कम से कम की कंडीशन आ जाती, इसका मतलब ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये तो कम नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, ये सब क्या है गिवन है। तो क्या ये जीरो हो सकता है, ये कम से कम हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं माइनस। तो अगर ये आंसर जीरो कब बन सकता है, ये आंसर जीरो तब बन सकता है जब ये टर्म इसके बराबर हो, तो हम ये कह सकते हैं रूट एन आर माइनस रूट एम आर दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका उसके किसके इक्वल हो सकता है जीरो के, ये जीरो नहीं हो सकता, इसका होल स्क्वायर जीरो का
कोईफल निपटना यानी इसका हम क्या आएगा रूट ऑफ एन आर माइनस रूट ऑफ एम आर इज इक्वल टू जीरो। स्क्वायर करोगे उधर ले जाओगे कुछ भी करोगे तो इसका मतलब हमारे पास ये बन जाएगा बेटा एन आर इज इक्वल टू एम आर और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एंड आर इज इक्वल टू आ जाएगा एन आर बाई एम। अब आप ये बताएं ये आर क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एन आर बाई एम क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना करंट विल बी मैक्सिमम ये वो कंडीशन आ जाएगी इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसके इक्वल आ जाएगा तो अपने आप सर्किट के अंदर करंट ज्यादा से ज्यादा होगा। ओके तो क्या क्या मैंने देखो दूसरे बार एन आर प्लस एम आर को इक्वल टू क्या करना है जीरो तो रूट एन आर प्लस रूट एम आर माइनस टू रूट एन आर एम आर प्लस रूट टू एन आर एम आर इक्वल टू जीरो। ये जो होल स्क्वायर बना वो रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर बना प्लस टू एन आर एम आर इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो नहीं हो सकता तो कौन सा जीरो हो सकता है ये जीरो हो सकता है और ये जीरो कब हो सकता है जब ये टर्म इस टर्म के इक्वल हो ये टर्म इस टर्म के इक्वल हो। ठीक है तो ये टर्म इसके इक्वल होगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी एन आर बाई एम। तो आप ठीक है अगर ये कर सकते हो एग्जाम में तो ठीक है गलत मत करना वैसे करना मत गलत मत करियो। तो आप सीधा कर सकते हो इसी क्वेश्चन के बाद में कि I इक्वल टू एम एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर आई विल बी मैक्सिमम इफ एन आर प्लस एम आर इक्वल टू जीरो एंड एन आर आर इक्वल टू एन आर बाई एम आर इक्वल टू एन आर बाई एम ये कंडीशन होगी तो अपने आप करंट क्या आ जाएगा मैक्सिमम। तो इसके बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो कि मैथमेटिकल पार्ट नहीं करते हो एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अभी नोटबुक में इसको जरूर नोट करें अच्छे से थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग बनो। ठीक है बेटा तो ये थे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अगले लेक्चर के अंदर हम इसके करेंगे क्वेश्चंस इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो करते हैं। ठीक है तब तक के लिए बाय थैंक यू हैव ए नाइस डे।